हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। अभी मैंने गाना सुना ऊंची ऊंची, और ये गाना आया है ओ माई गॉड 2 से। अक्षय कुमार इसके अंदर दिखेंगे, शिव का एक प्रतीक लिए हुए, और पंकज त्रिपाठी दिखेंगे जो भोले के बहुत बड़े भक्त हैं। वो अपना गाने को किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। गाया बहुत मधुर तरीके से हंसराज रघुवंशी ने। इनकी एक आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक कर्कश वाली आवाज़ है, जो इस तरीके के गाने में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। दो चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। एक तो विजुअल कैसे थे, सुनने में कैसा था, लिरिक्स किसके तरीके थे, और क्या इसके अंदर भाव जगह कि नहीं जगह। भाव की बात तो ये है कि एक चीज़ ने तुम्हारा दिल ही जीत लिया, जब लास्ट में एक लाइन आती है, कर विश्वास तू है भोले का दास। तो एक तो राइमिंग भी है, और आपको बिल्कुल ही, जो लोग भोले के जेन्युइनली बहुत ही प्यार करते हैं, प्रीत है उनको, लव है, जिसे कहते हैं ना गॉड लविंग पीपल, गॉड फेयरिंग पीपल नहीं, वो लोग जो हैं बड़े ही आपको इस तरीके से इस गाने को बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट से लेंगे। जो विजुअल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक इंसान है जो बिल्कुल ही भगवान के आस्था के अंदर घुल मिल गया है, वो आपको अच्छा लगेगा। आपको एट द सेम टाइम भगवान का आगमन होना वो अच्छा लगेगा। एक नंदी बैल का सीन आता है, वो आपको अच्छा लगेगा। आँखें अगर बंद भी कर लेंगे, सिर्फ सुनेंगे, तो आपको आवाज़ अच्छी लगेगी, म्यूज़िक अच्छा लगेगा। एट द सेम टाइम आपको बोल के जो लिरिक्स हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले। मोटे मोटे लेवल पे भाव जगता है, जो इसका मेन काम है। और जो लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे थे ओ माई गॉड 2 को लेकर, उनको थोड़ी सी शर्म आएगी ये गाना सुन के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से भगवान की भावना जगाई मेरे लिए। तो एटलीस्ट इसने आपके लिए जगाई कि नहीं जगाई, कॉमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।